हेलो फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई दाल का मसालेदार परांठा। जो अक्सर हम घर पर बनाते हैं, तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर बची हुई दाल ली है, धनिया लिया है, थोड़ा सा बेसन, कटे हुए प्याज, एक हरी मिर्च और आटा। मसाले में हमने लिया है नमक, लाल मिर्च, हींग, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर, और जीरा लिया हमने साबुत, और साबुत ही हमने लिया है धनिया हमने लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम सीक्रेट मसाला बना लेते हैं। जीरा जो हमने और साबुत धनिया लिया है, उसे हम अच्छे से पीस लेते हैं। जब ये दरदरा पीस जाएगा ना, तो इसका टेस्ट परांठे में बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो इसे हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए जिस तरह मैंने पीसा है, बस इसी तरह पीसना है। तो चलिए अब हम दाल का जो परांठा बनाना है, उसका आटा गूंद लेते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में दाल डाल देते हैं, और थोड़ा सा बेसन हमने यहाँ पर ऐड किया है। कटे हुए प्याज और एक हरी मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ताकि परांठे में ना थोड़ा तीखापन ऐड हो जाए। और आटा आप देख लीजिए आपकी कितनी दाल है, हम यहाँ पर दाल के हिसाब से आटा डाल रहे हैं। साथ ही साथ अब इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया हमने खूब सारा डाल दिया, क्योंकि हरे धनिए से परांठे में टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप भी अगर धनिया पसंद करते हैं तो आप डालिए ज़रूर। तो अब इसे हम चलिए मिक्स करना शुरू करते हैं। और हाँ ज़रूर, ये जो हमने सीक्रेट मसाला डाला है ना, ये ज़रूर डालिए, इससे तो हमारे परांठे का स्वाद और बढ़ जाएगा। एक चम्मच भरकर अब नमक डाल देंगे हम। एक चम्मच भरकर हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आप कम तीखा डालना चाह रहे हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच भरकर हम जीरा पाउडर डाल देंगे, हमने यहाँ पर भुना हुआ जीरा डाला है। एक चम्मच भरकर हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है। तो देखिए सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। तो चलिए अब हम इस आटे को लगाना शुरू करते हैं। लास्ट में हम थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। हींग से क्या है, एडजस्ट करने में हमें मदद करेगी, तो हम थोड़ी सी यहाँ पर हींग भी डाल रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि हमारे आटे में सब सामान सही है ना। देखिए अच्छे से हम घोल रहे हैं, ताकि जितना भी हमने सामान डाला है, मसाले डाले, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बड़ा ही जल्दी बन जाती है। इस रेसिपी को आप कभी भी बनाकर खाइए, नाश्ते में बनाइए, दोपहर में बनाइए, जब कोई सब्जी ना हो तो इस परांठा को खाइए, चटनी के साथ, रायते के साथ, दही के साथ, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। चलिए देखिए हमारा आटा कितनी जल्दी जल्दी गूंद गया है ना। अब इसमें हम थोड़ा आटा और डाल देंगे, ताकि जो हाथों पर लगा हुआ है वो भी सारा छूट जाए हाथों से। हम चारों तरफ से देखिए अच्छे से मसल लेंगे। देखिए इस आटे में बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी दाल हमने डाली हुई है, और उसी के मुताबिक हमने यहाँ पर आटा डाला है। आप भी बस बराबरी का सामान रखिए। आटा हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि जो हमारा ये आटा है अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम चटनी और रायता दोनों तैयार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आगे की रेसिपी। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया धनिया, पुदीना, दो टमाटर, एक हरी मिर्च, कटा हुआ हरा प्याज, कटा हुआ प्याज, अचार। मसालों में हमने नमक, लाल मिर्च, हींग, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर लिया है। तो चलिए इस चटनी को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। ये चीज़ें हम मिक्सर जार में डालेंगे, जो हमने पहले से काट कर रखी थी। अगर आपके पास काचर नहीं है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बाकी का सामान डाल लीजिए और इस चटनी को बना लीजिए। देखिए मैंने सब कुछ चीज़ें पहले से काट के रखी थी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर दो टमाटर बड़े बड़े साइज में काट कर डाल रही हूँ। एक हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है, ताकि थोड़ा सा तीखापन चटनी में आ जाए।
मसालों में अब मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी इसके अंदर। देखिए 1 से 1.5 पिंच मैंने हींग डाल दी है। आधी चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। आधी ही चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ही डालूंगी। आधी चम्मच मैं भुना हुआ जीरा डाल दूंगी। आधी चम्मच मैं अमचूर पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे ताकि हमारी चटनी है वो बिल्कुल ग्रीन रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। देखिए चटनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है, तो चलिए हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। सारी चटनी हमने बर्तन में निकाल ली है, तो चलिए अब हम अपने बूंदी का रायता है उसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर दही ली है, बूंदी ली है, धनिया लिया, पुदीना, मसालों में हमने काली मिर्च, काला नमक, भुना हुआ जीरा और सूखा हुआ पुदीना लिया है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बूंदी को पानी में भिगो देंगे ताकि अच्छे से वो भीग जाए। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए मैंने विस्कस से दही को अच्छे से फेंट लिया है। दही हमारी अच्छे से फेंट चुकी है। चलिए अब रायता डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो बूंदी को पानी में भिगो कर रखा था उसे अच्छे से निचोड़ कर इसके अंदर डाल देंगे। ये सारी बूंदी दही में डल चुकी है, तो चलिए हम आगे की अब मसाले ऐड करते हैं इसके अंदर। आधी चम्मच मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आधी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। आधी चम्मच दरदरी पीसी हुई काली मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च को अवॉइड कर सकती हैं। हम सूखा हुआ पुदीना डाल देंगे। अब हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे जो हमने पहले से ही तोड़ कर रखी हुई है। उसके ऊपर से देखिए अच्छे से हम गार्निश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम पुदीना ऐड कर देंगे, तो हमारा ये तैयार हो चुका है रायता। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तो चलिए परांठे बनाना शुरू करते हैं। हम आटों पर एक लोई ले लेंगे बड़ी सी और उसे अच्छे से हम राउंड राउंड शेप में कर लेंगे। चलिए इसे हम अब बेल लेते हैं। हमने उसे पहले आटे में अच्छे से डिप कर लिया है, इसके बाद इसे हम बेल लेंगे। जैसे हम रोटी को बेलते हैं वैसे इसे बेल लेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप इसे रेसिपी को बनाकर खाइए और मुझे जरूर बताइए कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी बनाकर। तो चलिए इसे तवे पर सेक लेते हैं। सबसे पहले हम तवे पर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब हम अपना परांठा इस पर डाल देते हैं। अब परांठे को थोड़ा सिकने देते हैं। जब तक परांठा सिक रहा है हम दूसरे परांठा तैयार कर लेते हैं। उसे भी सेम प्रोसेस से हम तैयार कर लेते हैं और उसे अच्छे से हम बेल लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है। आप भी बनाइए और खाइए और मुझे जरूर बताइए कि ये आपको परांठे की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए एक साइड से हमारा परांठा सिक चुका है, तो इसे हम पलट देंगे। परांठे को हम पलट पलट करते रहेंगे। अब हम घी लगाकर इसे अच्छे से सेक लेंगे।
देखिए हमारा परांठा पहला अच्छे से सिक चुका है, बड़ा ही जल्दी बन जाता है। देखिए फर्स्ट परांठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल ले लें। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम तवे पर सारे परांठे तैयार कर लेते हैं इसी तरह। हमने दूसरा परांठा भी डाल दिया है तवे पर और उसे भी घी से हम अच्छे से सेक लेंगे। आप इस रेसिपी को नाश्ते में बनाकर खाइए। हमारा दूसरा परांठा भी बिल्कुल परफेक्ट सिककर तैयार है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। आप इस परांठे को चटनी और रायते के साथ एंजॉय कीजिए और इसे जरूर बनाकर देखिए। जब मेरी चटनी अच्छी लगी है या मेरा परांठा रायता कुछ भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। तब तक आप मेरी रेसिपीज को देखिए, इंजॉय कीजिए और इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए कि आपको बनाकर मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई नई रेसिपीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।